फिर आप खुद ट्वीट करना छोड़े ना, वीपीएन लगा के खुद ट्वीट करें, वो किस बात पे शर्मिंदा होंगे? वो ये इन लोगों के पास शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ये कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। वो बड़े फकरिया बता रही थी हमने फाइबर बॉल जो है लगा रहे हैं हम, आ गई है। तो अभी आप लोग फायर बॉल क्यों भाई, क्या मसला है कि आप लोगों ने लोगों को बात करने का इतना क्या? हम कोई असले लेके तो नहीं फिर रहे ना, एक बोल रहे हैं, जुबान है हमारे पास, वो एक उससे भी आपको इतनी प्रॉब्लम है कि बोले भी ना, बोलने दे लोगों को, आपको अपनी हरकतें नजर नहीं आ रही, हमारी जुबान नजर आती रहती है। जी बहुत शुक्रिया सनब जुवेद। सनब जुवेद साहब ये बताइएगा कि आपकी कल तीन सीटें जो है काजी साहब ने उड़ा के रख दी हैं, अब तो आपकी सीटें भी हमें तो खतरे में लगती हैं पूरी कौम को। उन्होंने हमारा पूरा इलेक्शन ही उड़ा के रख दिया था, हमसे निशान ही ले लिया था और सारा कुछ ही उन्होंने अपनी तरफ से तभी कर दिया था। मगर जो आवाम है ना वो किसी कहीं और खड़ी हुई और ये सब कहीं और खड़े हुए हैं, और आप इतनी आवाम से नहीं लड़ सकते, इतनी आवाम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक सादा बात है जो ये है कि आपने जितने मर्जी कांटे लगाए हो, हमें पसंद है ना इमरान अहमद खान नियाज़ी, आप जितना मर्जी कर रहे हैं उसका नाम नहीं ले सकते, हमें पसंद दिया तो बस पसंद है, बगैर वजह के पसंद है। अगर आप कहेंगे जी भाई पास कोई लॉजिक नहीं, रीजन नहीं है, तो चलें ऐसे ही पसंद है, अभी आपको क्यों दें लॉजिक नहीं देते ऐसे। अच्छा सर मुझे वैसे ये बताइए, कभी आपने फर्क टाइम में कभी सोचा है कि ये जो मेरी एक सियासी जंग जो है एक जोड़ी जा रही है मरियम नवाज साहब के साथ, इसे कहाँ शुरू हुई थी? कोई आपको चीजें याद आती हैं कि वजह क्या बनी है आप दोनों के दरमियान इतनी क्यों है? दोनों तो आप ऐसे कह रहे थे हमारी रिश्तेदारी है कोई इशू ये कि आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कोई नहीं पसंद हो सकता और आपको कुछ पसंद होना बिल्कुल ठीक है। अभी आप लोगों को उसकी पसंद नापसंद नफरत मोहब्बत पे डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर कोई नहीं पसंद है तो हो सकता है मेरे पास कोई रीजन ना हो, मुझे एम ही ना पसंद हो, और अगर पसंद है तो उसके भी हो सकता है मुझे बस मेरे दिल को पसंद हो ना, मेरे पास कोई वजह ना हो। तो अगर मुझे वो बीबी पसंद नहीं है तो आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि क्योंकि हमें वो बड़ी काबिल लगती है, काबिल तो खैर वो है भी नहीं, तो आपको भी पसंद होनी चाहिए, आपने गलत किया उसे पंजाब पे रखे मेरी तरफ से। अगर मुझे पसंद नहीं है तो बस नहीं है, मेरे पास कोई रीजन। अच्छा ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के बारे में कई सहाफ़ियों ने ये बात की है कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको खरीदने की बात करते हैं, उनको फिर अगर खरीदा ना जाए तो उनके ऊपर धमकियां, उसके फैमिली को टॉर्चर करती हैं, तो आपके साथ भी ये कुछ हुआ है, खरीदने की कोशिश की गई है नून लीग की तरफ से? मेरा मोबाइल इनके पास पिछले 15 महीने से है, मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर नहीं थी पीटीआई के, उनकी किसी सोशल मीडिया टीम की मेंबर नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। अभी आप समझ जाएं कि कोई टीमें नहीं है, उसको लोगों की सपोर्ट है, आम आवाम की सपोर्ट है, जिसके पास मोबाइल है वो अपनी बात कर सकता है ना। अभी मैं कोई टीम की मेंबर तो नहीं हूँ, मैं फिर भी लिखूंगी और मेरे लिखने से बहुत तकलीफ होती है, मेरे बोलने से बहुत तकलीफ होती है, आम शहरी बोल रहे हैं। मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में पहले भी कहती रही हूँ कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मैं एक पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, जो पसंद होगा वो भी बोलूंगी, जो नहीं पसंद होगा वो भी बोलूंगी ना। मैं मुझे तो आपने किसी अपने पैसों पे तनख्वाह भी नहीं रखा हुआ ना, मैंने तो बहुत सारे लोगों को हमारे पैसों की तनख्वाह पे बहुत सारे लोग हैं, मैं तो नहीं हूं ना। तो जब हमारे पैसों पे हमने आपको रखा है तो इसलिए तो नहीं रखा कि हमें बताते रहेंगे ये भी नहीं कर सकते और वो भी नहीं कर सकते, जो दिल करेगा बोलेंगे, जो दिल करेगा वो कह रही है कि मैं इस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो हजरत उमर फारूक के मॉडल को फॉलो कर रही हूँ और मैं अपनी हुकूमत चला रही हूँ। वो फिलहाल तो उनकी सिर्फ वीडियोस में ही हुकूमत चल रही है, जो लोगों के हालात हैं बाहर जाके देखिए, शर्म करें ऐसे बयान देने से पहले। लोग बेचारे मर रहे हैं, अपने बच्चे खुद मार रहे हैं, भाई भाई को मार रहे हैं बिल देकर, लोग अब बहनें बच्चे अपने जहर दे के गले काट के मार रहे हैं, ना बिल दे सकते हैं, ना स्कूल की फीसेस दे सकते हैं, ना खर्चा हो रहा है, ना रोटी पूरी हो रही है, अपने लंगर खाने बंद कर दिए, पनाहगाहें बंद कर दी, सेहत कार्ड बंद कर दिया, कुछ छोड़ा नहीं है आवाम के लिए, शर्म करें बयान देते। सनम जावेद 9 मई से पहले और अब में क्या फ़र्क समझती है अपने आप में? ये तब भी मेरे से बहुत डरते थे, अब तो बहुत ही डरते हैं ठीक है लास्ट ये बताइएगा कि इमरान खान साहब से कब मुलाकात हो रही है आपकी? मैं गई तो हूँ 2-3 दफ़ा, मगर ऑर्डर भी लेके जाते हैं, पर मेरे से क्योंकि उनको बहुत ही मोहब्बत है तो पता नहीं क्यों चाहते हैं कि मैं तो ना ही मिलूँ। मैं तो हर चीज़ में पसंद हूँ आपसे, इतनी मोहब्बत की वजह क्या? बस मैं फेवरेट हूँ। थैंक यू सो मच।